एशियन समाचार सुनने वाले सभी दर्शकों को अमरजीत का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और या अली मदद। सुनिए इस हफ्ते के मुख्य समाचार। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना में सबसे रोचक परिणाम पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु से मिले हैं, जहां बंगाल में सत्तासीन ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने पिछली बार से भी कहीं बेहतर प्रदर्शन करते हुए लगभग 3/4 बहुमत का आंकड़ा छू लिया। वहीं तमिलनाडु में तमाम एग्जिट पोल के उलट जनता ने वर्ष 1984 के बाद पहली बार किसी पार्टी को लगातार दूसरी बार सत्ता तक पहुंचाया है। असम पर भाजपा का कब्जा हो गया और किसी पूर्वोत्तर राज्य में पहली बार भाजपा सत्ता हासिल करने में सफल रही। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ जयललिता की पार्टी अन्नाद्रमुक को इस बार भी स्पष्ट बहुमत मिला है, जिससे एम करुणानिधि की पार्टी द्रमुक के साथ मिलकर लड़ रही कांग्रेस का सत्ता हासिल करने का ख्वाब टूट गया। उधर केरल में भी कांग्रेस नीत यूडीएफ के हाथ से सत्ता छीन गई और वाम गठबंधन एलडीएफ को राज्य में स्पष्ट बहुमत मिला है। मॉन्ट्रियल में सड़क हादसे में निधन होने के बाद संत निरंकारी मिशन के प्रमुख बाबा हरदेव सिंह जी का पार्थिव शरीर सोमवार को दिल्ली ले जाया गया। अंतिम संस्कार बुधवार को दोपहर 12 बजे हुआ। बाबा हरदेव सिंह और उनके दो दामाद न्यूयॉर्क से मॉन्ट्रियल जा रहे थे, उसी दौरान तेज़ रफ्तार के कारण कार पलट गई। हादसे में हरदेव सिंह जी के अलावा उनके दामाद अवनीत की भी मौत हो गई। दूसरे दामाद सनी भी जख्मी हुए लेकिन खतरे से बाहर हैं। सनी कार चला रहे थे। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने कहा कि सोनिया गांधी को पार्टी अध्यक्ष बने रहना चाहिए, भले ही 5 राज्यों में चुनाव परिणाम कुछ भी आए। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी और तथा उनके जीवन को खतरा होने की बात को देखते हुए हर समय उनकी सुरक्षा 18 सशस्त्र कमांडो करेंगे। कांग्रेस ने ऋषि कपूर की उन टिप्पणियों पर करारा पलटवार किया, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता ने कांग्रेस शासनकाल में देश की प्रमुख संपत्तियों के नाम गांधी परिवार के सदस्यों पर रखे जाने का विरोध किया था। कांग्रेस ने कहा कि ऋषि कपूर को राष्ट्र निर्माण में गांधी परिवार के योगदान के बारे में जानकारी नहीं है। गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी ATS ने बुधवार को फारूक भाना को गिरफ्तार कर लिया। गोधरा कांड की साजिश रचने और ट्रेन चलाने का मुख्य आरोपी साल 2002 से ही फरार चल रहा था। भारत ने परमाणु क्षमता संपन्न और स्वदेश में विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का ओडिशा में चांदीपुर परीक्षण रेंज सफल प्रक्षेपण किया। तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश के बीच मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव अगले 48 घंटों में चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका है। करोड़ों भारतीयों की आस्था का केंद्र और 4 धामों में से एक पुरी का जगन्नाथ मंदिर कभी भी गिर सकता है। मंदिर हाई रिस्क पर है और अगर समय रहते ज़रूरी कदम नहीं उठाए गए तो सदियों पुराना यह मंदिर ध्वस्त हो सकता है। निरंकारी मिशन के प्रमुख बाबा हरदेव सिंह जी की सड़क हादसे में निधन के बाद अब उनकी पत्नी सविंदर कौर को उनके उत्तराधिकारी के तौर पर चुना गया है। प्रमुख चुने जाने के बाद सविंदर कौर ने अनुयायियों को संबोधित किया और कहा कि सभी को मिलकर निरंकारी बाबा की बातों को आगे बढ़ाना है। दुनिया भर में बाबा के करोड़ों अनुयायी हैं। दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर राष्ट्रपति भवन उड़ाने की धमकी देने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया है। इस व्यक्ति ने 2 फोन कॉल किए थे, जिसमें से एक फोन में राष्ट्रपति भवन उड़ाने की धमकी दी गई थी। बैंकों के हजारों करोड़ का लोन नहीं चुकाने के मामले में डिफॉल्टर घोषित हो चुके माल्या ने कहा है कि वह भारत आना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने अपनी शर्तें रखती हैं कि उनकी सुरक्षा और आज़ादी का सरकार को पूरा भरोसा देना होगा। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के कार्यालय में समाज में अशांति फैलाने के लिए उनकी हत्या करने की धमकी भरा मराठी भाषा में एक हस्तलिखित पत्र मिला है। केंद्रीय मंत्री उमा भारती के आवास पर तैनात दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से कथित तौर पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद सिंह ने कहा कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी तब सोनिया की जगह ले सकते हैं जब उन्हें लगने लगे कि उनके पद छोड़ने का समय आ गया है।
तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में एक सड़क हादसे में महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले एक परिवार के 15 सदस्यों की मौत हो गई। मरने वालों में 5 महिलाएं और 7 बच्चे भी शामिल हैं। यूनिक पिंक के नाम से मशहूर 15.38 कैरेट का पानी की बूंद के आकार का गुलाबी हीरा जिनेवा में सोथबीज की नीलामी में रिकॉर्ड 3.16 करोड़ डॉलर में बिका। यह नीलामी में बिकने वाला सबसे महंगा फैंसी विविड पिंक हीरा बन गया है। एक्वाडोर में बुधवार को 6.7 तीव्रता का भूकंप झटका महसूस किया गया। पिछले महीने भी यहां 7.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया था, जिसमें करीब 660 लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने की दौड़ में सबसे आगे चल रही हिलरी क्लिंटन ने पुस्तकों और संबोधनों के जरिए साल 2015 में $64 लाख कमाए हैं, जबकि उनके पति एवं पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को 22 भाषाओं के लिए $52 लाख की रकम मिली है। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने वित्तीय स्थिति के बारे में खुलासा किया है। यह बताया कि जमीन जायदाद के विकास से जुड़े ट्रंप का नेटवर्क $10 अरब से अधिक है। श्रीलंका में मूसलाधार बारिश और बाढ़ के कारण 2 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 8 लोगों की मौत हो गई है। बांग्लादेश में 2 दिनों में गरज के साथ बारिश होने के दौरान बिजली गिरने पर इसकी चपेट में आने से कम 81 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की अग्रणी दावेदार हिलरी क्लिंटन को कंटकी प्राइमरी में बर्नी सैंडर्स पर बेहद कम अंतर से जीत से जहां बढ़त मिली है, वहीं बर्नी सैंडर्स ने ओरेगन में निर्णायक जीत से अपनी जद्दोजहद को जारी रखा है। एक पाकिस्तानी विश्वविद्यालय ने परिसर में लड़के और लड़कियों को जोड़े में बैठने को इस्लामी परंपराओं के विरुद्ध करार देते हुए ऐसा करने पर रोक लगा दी है। सरगोधा विश्वविद्यालय लाहौर परिसर ने सोमवार को एक परिपत्र जारी कर कक्षा, भोजनालय और परिसर में कहीं भी छात्रों एवं छात्राओं के जोड़े में बैठने पर रोक लगा दी है। जर्मनी की एक स्टार्टअप कंपनी विश्व का पहला बिजली से चलने वाला व्यक्तिगत विमान बना रही है, जिसे दीवार में लगे सॉकेट से चार्ज किया जा सकता है और आपके बाग से भी उड़ान भर सकेगा और उतर भी सकेगा। यह विमान पारिस्थितिकी अनुकूल है। दुनिया की सबसे उम्रदराज बिल्ली स्कूटर की 30 साल की उम्र में मौत हो गई है। साइमीज कैट नस्ल की इस बिल्ली को हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया की सबसे उम्रदराज जीवित बिल्ली बताया गया था। पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान के परिवार का नाम पनामा पेपर्स में आया है। खान के 4 करीबी संबंधियों के नाम का उल्लेख इस पेपर में बहामास स्थित विदेशी कंपनी के मालिकों के रूप में किया गया है। 69वें कान के डायरेक्टर्स फोर्टनाइट में प्रदर्शित अनुराग कश्यप की रमन राघव 2 को जबरदस्त तारीफ मिली है। रमन राघव 2 एक डार्क और थ्रिलर फिल्म है। ऐश्वर्या राय अभिनीत एवं वास्तविक जीवन पर आधारित उमंग कुमार की फिल्म सरबजीत की 69वें कान फिल्म फेस्टिवल के पहले सप्ताह में 2 बार स्क्रीनिंग की गई। सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक को NPA के लिए ज़्यादा पूंजी प्रावधान के कारण 31 मार्च 2016 को समाप्त चौथी तिमाही के दौरान 5,367 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ। PNB को पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 306 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। जर्मनी की लग्जरी कार कंपनी मर्सिडीज बेंज ने अपनी SUV GLS 350D का उन्नतम संस्करण भारत में लॉन्च किया है, जिसकी कीमत पुणे शोरूम में 80 लाख रुपए है। दुबई में हुए एक ऑटो एक्सपो में सोने की कार गॉडजिला को शामिल किया गया। गॉडजिला कार की कीमत 10 लाख है, जिसे सोने से सजाया गया है। निसान R35 GTR को सोने की कार का रूप दिया है। इसी के साथ आज के एशियन समाचार यहीं समाप्त होते हैं। अगले हफ्ते आज के दिन इसी समय सुनना ना भूलिए एशियन समाचार। तब तक के लिए अमरजीत को आगे दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और या अली मदद।